कटिहार जिले के आजमनगर थाना मैदान में एक दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी थाना अध्यक्ष तथा सीईओ शंभुनाथ राम के द्वारा किया गया। इस फुटबॉल मैच में कुल 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्राणपुर एवं डंडखोड़ा के बीच मैच खेला गया तथा कटिहार टीम और पश्चिम बंगाल के मालदा के बीच मैच खेला गया, जिसमें प्राणपुर की टीम ने डंडखोड़ा की टीम को हराकर जीत हासिल की तथा कटिहार की टीम ने मालदा की टीम को हरा कर जीत हासिल की। वहीं विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। फुटबॉल मैच के उद्घाटनकर्ता सुदर्शन चंद्रपाल ने कहा कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के खेल का आयोजन करना अपने आप में काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। फुटबॉल खेल से पहचान बढ़ती है, साथ ही इससे मनुष्य स्वस्थ रहता है। वहीं फुटबॉल खेल प्रेमी दर्शक काफी संख्या में जुटे और खेल का आनंद लिया। मैं बहुत कोशिश बहुत दिन से मेहनत करते करते मैं यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि कई दिन से मैं खेल रहा हूँ इस मैदान में। विजेता हमको नहीं मिली, लेकिन 2020 में इस बार हमको मिली, इसी बात का मुझे बहुत खुशी है। 26 जनवरी के शुभ अवसर पे हर साल के भांति इस साल भी आजमनगर स्पोर्ट्स ग्राउंड में, सद्भावना ग्राउंड में 4 टीम का फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल और बिहार की टीम हिस्सा लिया। फर्स्ट राउंड में बंगाल की टीम बिहार की टीम से पराजित होकर 1 गोल से पराजित हुआ। दूसरा प्राणपुर वर्सेस कदुआ की टीम ने खेला ट्रावेकर में, प्राणपुर की टीम 3-1 से विजय प्राप्त हुआ। और हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजककर्ता थे प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO साहब आजमनगर, थाना अध्यक्ष मनीष कुमार रजक आजमनगर, और साथ में अंचल अधिकारी CEO साहब आजमनगर। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह सुदर्शन चंद्रपाल के नेतृत्व में किया गया।